नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मलय मद्रास में। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका हमसफर, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ भारतीय जीवन बीमा निगम का सबसे बेहतरीन पॉलिसी न्यू जीवन आनंद के बारे में। न्यू जीवन आनंद जिसका स्लोगन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मित्रों, मैं इस पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगा और वहां पे वन बाय वन करके इस पॉलिसी की सारे फीचर, सारे एडवांटेज, सारे कैलकुलेशन, सारे बेनिफिट रजिस्ट्रेशन आपको प्रदर्शन करूंगा। मित्रों, पॉलिसी का नाम है न्यू जीवन आनंद। प्लान का टेबल नंबर है 915। दोस्तों, ये पॉलिसी हमने मिस्टर एबीसीडी के लिए बनाया है जिनका एज 25 ईयर है। मित्रों, इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 25 साल का है और पॉलिसी का टर्म भी 25 साल का है। लेकिन ये पॉलिसी होल लाइफ पॉलिसी है, ये पॉलिसी आजीवन चलेगी और आपको सिर्फ 25 साल तक ही पेमेंट करना होगा। दोस्तों, इस पॉलिसी में जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा वो और सबसिक्वेंट ईयर का प्रीमियम होगा वो दोनों सेम होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे 4.5% जीएसटी चार्ज होती है और सबसिक्वेंट ईयर के प्रीमियम पे 2.25% की जीएसटी चार्ज होती है। इसलिए दोनों साल के प्रीमियम में अंतर आपको दिखेगा। जैसा कि पहले साल का प्रीमियम 37,751 रुपया है और दूसरे साल से हमेशा के लिए प्रीमियम 36,938 रुपया है। मित्रों, इस पॉलिसी के ऊपर आज से 25 सालों के बाद में जो गारंटेड सम एश्योर्ड है, जो 1 करोड़ रुपया दिया है इनको, तो वो 1 करोड़ रुपया जो मिलेगा जो गारंटेड होगा, इसके अलावा 1,67,50,000 रुपया इस पॉलिसी के ऊपर बोनस होगा और टोटल मिला के 2,67,50,000 रुपया मैच्योरिटी मिलेगी और उसके बाद 1 करोड़ रुपये का बीमा राशि इनका आजीवन चलता रहेगा। जब भी मिस्टर ए बी सी डी अब्सेंट होंगे, इस संसार को त्यागेंगे, तब उनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपये का मूल बीमा राशि है वो भी उनको पेमेंट की जाएगी। दोस्तों, पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है और आपको जरूर एक बेहतरीन पॉलिसी अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, ऐसा मेरा सलाह है। दोस्तों, इस पॉलिसी के अगर मैं फीचर की बात करूं तो ये इंडोमेंट और होल लाइफ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। जैसा कि इसके स्लोगन से ही आपको मालूम होगा कि जो मैंने पहले कह चुका था कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, ये रेगुलर सेविंग और लाइफ टाइम कवर का एक जबरदस्त उदाहरण पेश करता है। दोस्तों, ये एक फैमिली को बहुत ही बढ़िया ढंग से सिक्योर करने का एक बेहतरीन उपाय भी है। मित्रों, इस पॉलिसी के अंदर जितनी की आप बीमा राशि लेते हैं उसका 1.25 times सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एडिशनल बोनस का लाइफ कवर आपको पहले दिन से मिलता है। इसी तरह आपको मैच्योरिटी के ऊपर कंप्लीशन ऑफ प्रीमियम टर्म, जैसे ही आपका पॉलिसी का प्रीमियम पे करने का टर्म खत्म हो जाता है, फुल सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो अप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से सारा जोड़ के, इकट्ठा करके, एकत्रित करके आपको पेमेंट किया जाएगा मेरे मित्रों। इसके अलावा ऑप्शनल बेनिफिट में आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अवेलेबल है इस पॉलिसी में, जिसको आप एडिशनल बेनिफिट के साथ में आप ले सकते हैं और आपको जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस पॉलिसी को प्रीमियम जो भी पे कर रहे हैं वो टैक्स एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80C के अंदर में, और जो इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट आता है, चाहे वो कितना बड़ा भी अमाउंट होगा, वो भी टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(10)(d) के अंदर में। दोस्तों, ऑप्शन टू टेक मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, इसमें एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया है कि आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है या जो डेथ बेनिफिट अमाउंट है, आपके नॉमिनी और आप जैसे चाहते हैं, आप इकट्ठा नहीं लेकर के आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे मित्रों। दोस्तों, पॉलिसी का जो
पैरामीटर्स हैं, जो प्लान का पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं। बेसिक पैरामीटर है कि मिनिमम एज एट एंट्री 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 साल होना चाहिए, यानी कि 18 से कम वालों की पॉलिसी नहीं है और 50 से ऊपर वालों की पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। दोस्तों इसमें मिनिमम पॉलिसी का टर्म 15 साल होगा, मैक्सिमम 35 साल का होता है। मिनिमम सम इश्यूड 1,00,000 रुपए के लिए है, मैक्सिमम सम इश्यूड के लिए कोई लिमिट नहीं है। मोड इसमें सारे ही मोड अलाउ है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या सैलरी सेविंग स्कीम। जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है, जो सर्विस करते हैं, वो अपने सैलरी सेविंग स्कीम के द्वारा भी पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार पॉलिसी, बहुत ही जानदार पॉलिसी, बहुत ही बढ़िया पॉलिसी, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी। फीचर के ऊपर मैं आपके सामने आता हूं। ये पॉलिसी का जब एट एड एंट्री हमने रखा मिस्टर एबीसीडी के लिए जो 25 साल का था, वहां पे पहले दिन से उनका जो नॉर्मल डिस्कवर था वो 1,29,90,000 का हो गया और एक्सीडेंटल रिस्क में ये 1,00,000 रुपया और ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्सीडेंटल रिस्क कवर फर्स्ट डे से ही 2,29,90,000 का हो गया। दोस्तों इसी के साथ में आप देखेंगे मैंने जो आपको इलस्ट्रेशन चार्ट बना के दिया है, जैसे जैसे पॉलिसी की टर्म बढ़ती जा रही है, नॉर्मल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर पॉलिसी होल्डर की बढ़ती जा रही है। दोस्तों उसी तरह आप उसी क्रम में देखेंगे आज से 5 साल के बाद उनका जो नॉर्मल रिस्क कवर होगा वो 1,49,50,000 का होगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 2,49,50,000 का होगा। आज से 10 साल के बाद में जो उनका नॉर्मल रिस्क कवर होगा अपने पॉलिसी होल्डर का वो 1,74,00,000 का होगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 2,74,00,000 का होगा। इसी क्रम में अगर 15 साल के बाद में आप देखते हैं तो इस पॉलिसी का जो नॉर्मल रिस्क कवर रहेगा वो 2,50,000 का रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 3,50,000 का रहेगा। 20 साल के बाद में पॉलिसी होल्डर का जो नॉर्मल रिस्क कवर रहेगा वो 2,30,00,000 का रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 3,30,00,000 का रहेगा। इसी क्रम को बढ़ते हुए जब 25वें साल में पॉलिसी मैच्योरिटी के ऊपर आती है तब इनका नॉर्मल रिस्क कवर 2,92,50,000 का हो जाएगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 3,92,50,000 का होगा। और मित्रों जैसे ही 25 साल का इनका समय पूरा हो जाता है हमारे बीमा धारक को 2,67,50,000 रुपया जो अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। उसके बाद में आजीवन उनका रिस्क कवर 1,00,000 का चलता रहेगा और वो जब भी इस संसार को छोड़ करके जाएंगे उनका एसेट, उनकी पॉलिसी, उनकी बीमा राशि उनके नॉमिनी को 1,00,000 रुपए के रूप में और भी प्राप्त होगी। दोस्तों बहुत ही बढ़िया पॉलिसी, बहुत ही शानदार पॉलिसी, जबरदस्त पॉलिसी। इस पॉलिसी को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जरूर रखनी चाहिए मेरे मित्रों। दोस्तों इस पॉलिसी को हमने 1,00,000 की बीमा राशि भी आपको बताने की कोशिश करी है। जिन मित्रों, जिन ग्राहकों, जिन बीमा धारकों, जिन इन्वेस्टर का बजट कम है आप मुझे कृपा करके आप मुझे संदेश भेजें, कॉल करें, मैं आपको आपकी एज, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी जरूरत के हिसाब से प्रेजेंटेशन बना के स्पेशली आपको पेश करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों अभी उसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए मित्रों आपसे प्रार्थना है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट से और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और क्वायरी हो आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों साथ में आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इतनी मेहरबानी कर दीजिए, आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारे आगे बढ़ने में, हमें और भी ज्ञानवर्धक चीजें आप तक लाने में हमें प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा प्रदान करती है। नमस्कार मेरे मित्रों, नमस्कार।